हाय गाइस, मैं संध्या। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। और आप सोच रहे होंगे कौन सा वीडियो लेके आई हूँ। आप टाइटल पढ़ के तो जान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं आज पिंपल के ऊपर एक वीडियो बनाई हूँ कि जिनके फेस पे पिंपल हो जाता है तो वो पिंपल को कैसे हटाएं बिना क्रीम लगाए, घर के ही नुस्खे से आप पिंपल हटा सकते हो। आप लोग तो जानते होंगे गाइस कि हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में पता नहीं कोई चीज़ हमें सूट करती है कि नहीं करती, और भी आ जाते हैं दाने। तो घर के नुस्खे में क्या होता है, अगर सूट नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करती चेहरे पे। तो मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली फेस को वॉश करके मैं बैठी हूँ और मैंने बोला चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाती। मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मेरे से बोला था दी पिंपल के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला है तो मैं तो पूरा करूँगी ही ना। कोई भी मेरी एक सब्सक्राइबर मेरे से कुछ भी बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे से कुछ वो डिमांड कर रही हैं तो मैं उनको पूरा करूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि दी पिंपल के ऊपर एक वीडियो बनाई। तो मैंने बोला हाँ बनाना चाहिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मेरी एक एक भी सब्सक्राइबर मुझसे कुछ भी पूछती है ना तो मुझे लगेगा नहीं मैं बनाऊँ। तो मैं पिंपल के ऊपर एक वीडियो बनाई हूँ और मेरे ये मतलब सिर्फ ये दो चीज़ों से आप देख सकते हो। एक है ये हनी है, हनी मतलब शहद, मेरे पास डाबर हनी है। आप देख सकते हो शहद तो ये मार्केट में मिल जाता है। ये मेरे को 17 रुपए की शीशी मिली थी। ये सबसे छोटी शीशी है, ये सबके बजट के हिसाब से ही रहती है, सबके किचन में भी रहती है हनी। तो ये मेरे पास है। और मेरे पास होगा 1 चम्मच दूध, आप देख सकते हो ये 1 चम्मच दूध होगा मेरे पास। ये दूध है 1 चम्मच और ये हनी है। खाली मैं इन्हीं दो चीज़ों से आप लोगों को पिंपल हटाना बताऊंगी कि कैसे हम पिंपल हटाते हैं। यहाँ मैं हनी लूंगी थोड़ा सा। ये देख सकते हो आप इतना सा हनी, और हम ऐसे इसको मिला लें अच्छे से। ये कच्चे दूध में हम मिला लें। मैं यहाँ डाबर की हनी यूज कर रही हूँ और आपको ये ध्यान रखना है आपको इसमें कच्चा ही दूध यूज करना है, पका दूध नहीं यूज करना है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं दूध हमारे चेहरे के लिए कितना अच्छा होता है, इससे रंगत भी बढ़ती है और फेस पे ग्लो भी आता है दूध से लगाने पे। और हनी तो आप जानते ही हैं आप कितनी अच्छी होती है। इसको हम साइड पे चम्मच को रख देंगे। और आपके अगर पास ब्रश नहीं है तो मैं आपके लिए ये कॉटन भी बहुत अच्छा है, मैं तो समझती हूँ कॉटन बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं मैंने कैमरा नहीं बंद किया है, वही कटोरी हाथ पे ली हूँ। मैं थोड़ा कैमरा ऊपर फेस पे ले आती हूँ, मैं साइड पे ही आली कटोरी रख देती हूँ। और जहाँ आपकी पिंपल हो गाइस, मेरे तो कहीं पिंपल नहीं है, बस मेरे थोड़े से एक मच्छर ने चबाया है यहाँ पे, काट लिया है, काट लिया। और जहाँ आपके पिंपल हो आप ऐसे ऐसे करके लगा सकते हो, आप देख सकते हो ऐसे जहाँ जहाँ पिंपल हो आप ऐसे लगा सकते हो। और मैं गाइस ये भी बता दूँ, आप सोचे कि आपका एक दिन में ही सही हो जाएगा तो एक दिन तो नहीं सही होगा, आपको लगातार इसे जब 2 दिन 3 दिन लगाना जब जाके आपके सही होगा। आप कोई क्रीम भी यूज करोगे तो आप ये मत सोचिए कि हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा एक ही दिन में, तो एक दिन में कोई चीज़ नहीं सही होती है, 1-2 दिन तो लग ही जाता है। तो इसे आप नाइट में ही लगाएं, जैसे आपको दिन में आपके पास वर्क बहुत होता, काम बहुत होता है लेडीजों को, तो आप दिन में मत लगाइए, आप नाइट में 10 मिनट तो आप अपने लिए निकाल सकते हो। तो 10 मिनट के लिए ये फेस पे जहाँ पिंपल हो वहाँ थोड़ा थोड़ा और ऐसे लगा लीजिए।
आप 2-3 दिन ऐसा करोगे, आप अगर आप सुबह शाम करोगे, शाम सुबह करोगे तो आपका 2 दिन में तो पिंपल हटेगा ही। आपको कोई दबाने की जरूरत नहीं है कि आप दबा दबा के उस पिंपल को हटाओ, दबाना नहीं है पिंपल को। ये देखिए मैंने पूरे फेस पे लगा ली, पूरे फेस पे भी आप लगा लोगे तो नुकसान नहीं करेगा, नहीं करना। ये देखिए मैंने लगा लिया है गाइज, इसे मैं 10 मिनट के लिए अपने फेस पे लगाऊंगी। और एक बात, इसे लगाने के बाद आप लोगों को एक और बताती हूँ कि जो हमारे आंखों के नीचे ब्लैकपन रहता है तो हम लोग उस पे खीरा रखते हैं। तो आपके घर पे खीरा नहीं है, हर किसी के घर पे खीरा नहीं होता है, परमानेंट कभी ना कभी खत्म हो जाता है। परमानेंट हमारे पास रहता आलू, तो आप आलू को ऐसे गोल गोल काटिए, ऐसे गोल गोल काटिए छील के, और आंखों में जब तक के लिए ये लगाए रहिए, जब तक के लिए आप आंखों में 10 मिनट के लिए इसको ऐसे रख लीजिए। ऐसे रखने से आपका जो ये ब्लैकपन है ये बिल्कुल हट जाता है, आलू है, और कोई नुकसान नहीं होता आलू से। आप तो जानते हैं आलू में बहुत ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, तो इसीलिए इसको मैं भी 10 मिनट के लिए ऐसे करके बैठी रहूंगी, 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हो ऐसे मैं 10 मिनट के लिए अगर आप लेटे रहोगे गाइस, मैं आंखों में लगा लगा के आपसे ही बात करती हूँ। अगर गाइस आप लेटे भी रहोगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, आप 10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे आंखों में रखे रहिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे पकड़ भी सकते हो गाइस, ऐसे अगर आप लेटे रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैठोगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं बैठी हूँ इसलिए मेरे को ये हटाना पड़ता है बार। गाइस मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बैठी हूँ, तो मैं ऐसे पकड़ी हूँ इसको 10 मिनट के लिए, ऐसे ही पकड़े रहूंगी क्योंकि मैं बैठी हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे पकड़ी रहूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मुंह को वॉश कर लूंगी। अगर आप लेटे हो तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे हो तो थोड़ा पकड़ना पड़ेगा आपको। गाइस 10 मिनट हो गए हैं गाइस, अब मैं इसको हटा दूंगी, आप देख सकते हो मैं रखी थी। ये देखिए ये मेरा थोड़ा सूख गया, जहां जहां मैंने आलू का ये रखा था वही वही थोड़ा गीला है। अब मैं 10 मिनट हो गए गाइस, मैं इसे हटा देती हूँ, मुंह को वॉश कर लेती हूँ, मैं वॉश करके अभी आती हूँ। ये देखिए गाइस मैं मुंह को वॉश कर रही हूँ, आप देख सकते हो कितना गोरा गोरा चेहरा दिख रहा है, मैंने जबकि कुछ नहीं लगाया, सिर्फ दूध और शहद लगाया है, और आप देख सकते हो। ये देखिए गाइस मैंने कुछ नहीं लगा, आप लगातार गाइस अगर आप ऐसे लगाओगे, अगर आपके चेहरे में पिंपल है तो बिल्कुल 1-2 दिन में सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 दिन में सही हो जाएगा, आपको लगातार इसे 2-3 दिन तो करना ही है तभी जाके सही होगा। हम कोई क्रीम भी लगाएंगे तो गाइस तो 1 दिन में तो नहीं सही कर देता। और इसे घर के नुस्खे हैं, ये कोई नुकसानदायक नहीं है आपके फेस के लिए, और ये दवा दवा के पिंपल निकालने का झंझट खत्म करिए और ये यूज करिए, परफेक्ट है आपके लिए। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिया करिए, फिर इस समय आपको पता नहीं चलेगा मेरे कब चैनल आके चले जाएंगे, आप लोग नहीं देख पाओगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और बेल घंटी को भी दबा दिया करिए।
जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप देख सको। और मैं अपने मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।